लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्रांति 1857 ग्रेट इंडियन म्यूटिनी पर आधारित है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार म्यूटिनी शब्द का मतलब सत्ता के खिलाफ सशस्त्र बगावत है, परंतु ब्रिटिश सत्ता भारत में गैर कानूनी और नाजायज थी। इसके खिलाफ बहादुर देशभक्तों ने चुनौती देते हुए वतन की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। दरअसल ये आजादी की पहली लड़ाई थी। नाटक के सारे पात्र एवं घटनाएं पूरी तरह ऐतिहासिक और सच्चे नहीं हैं। कहानी के अनुसार इनमें कई घटनाएं एवं पात्रों को दर्शकों की रुचि के अनुसार जोड़ा घटाया गया है। हम पूरी तरह ऐतिहासिक सत्यता का दावा नहीं करते। ये सीरियल उन बहादुर देशभक्तों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, और उनके लिए भी जो अपने देश के लिए प्राण देने को सदैव तत्पर रहते हैं। अरे शुक्रिया तो आपको हमारी बेटी उल्रिका करना चाहिए, आप सब उसी के मेहमान हैं। वैसे हमारी बेटी आपकी जीत से बहुत खुश है, और आज का जश्न उसकी बर्थडे का काम आपकी विक्ट्री का सारा है। कहाँ है उल्रिक? अभी बुलाती हूँ। उल्रिक many many happy returns of the day. Thank you so much. Come Welcome, Mr. John. Welcome. है हमें दिल उसको सुनाए
बने बात जो क्या बने बात जो बात बनाए ना बने नुक्ता जी है हमें दिल उसको सुनाए ना बने अरे अल्ताफ मियाँ वो मुंशी जी छापाखाना से लौटा है जी हुजूर अभी तक तो नहीं लौटे अब कोई मैम साहब आपका इंतजार कर रही हैं मैं उनके लिए शरबत का बंदोबस्त करने जा रहा था ठीक है तुम जाओ मैं देखता हूँ मैम साहिबा हेलो उल्रिक सीजन आप मेरा मतलब है तुम आपको ये लिबास अच्छा लगता है ना और शायद इसे पहनने वाले भी शायद मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है लेकिन क्या करूँ मजबूरी है मैं शिकायत नहीं कर रही थी मैं भी सफाई नहीं पेश कर रहा था सच्चाई बयान कर रहा था फिरंगियों को दोस्त बनाए रखना हमारी जंगे आजादी का ऐसा पहलू है जिसके लिए हमें वो भी करना पड़ता है जो करने को दिल नहीं चाहता उल्रिक बहुत भोली और मासूम लड़की मालूम होती है ना हाँ शायद मैं तुम्हारे पास आना ही चाहता था अजीजन हमारे पास क्यों तुम्हारा शुक्रिया अदा करने शुक्रिया अदा मत कीजिएगा हमारा दिल टूट जाएगा मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता हूं तुम्हारा दिल तो मेरे लिए बहुत कीमती है तुमने जो एहसान किया है उसने तुम्हारा मुकाम हम सबकी निगाहों में बहुत बुलंद कर दिया है काश इस एहसान का बदला चुका पाना मेरे बस में होता इसे एहसान के सिवा और कुछ नाम नहीं दिया जा सकता दिया जा सकता है लेकिन देते हुए डर लगता है लोग कहते हैं क्या बहुत बहादुर इंसान है बहादुर हूं लेकिन मेरी जिंदगी जिस राह पर गामजन है उस राह पर किसी को हम सफर बनाने के लिए आवाज देते हुए डर लगता है मुझे इजाजत दीजिए खुदा हाफिज खुदा हाफिज अजीजन एक बात कहना तो भूल ही गया फरमाइए वैसे तो तुम पर हर लिबास अच्छा लगता है लेकिन अपने लिबास में तुम सबसे ज्यादा हसीन लगती हो We'll be right back.
कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारा रास्ता रोकने की? तुम शायद जानते नहीं कि हम राजा हैं। धिक्कार है ऐसे राजा पर जो एक मामूली लुटेरे की तरह इस अबला को उसकी मर्जी के बगैर उठाए लिए जा रहा है। अगर तुम वाकई राजा होते ना तो अपनी बहादुरी से इसका दिल जीतने की कोशिश करते। ये तो चोर उचक्कों का काम है। अपनी जबान को लगाम दो और हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाऊंगा, बेशक हट जाऊंगा। वैसे भी मेरे पास समय कम है और काम बहुत। तुम बस इस लड़की को छोड़ दो। तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? क्या लगती है तुम्हारी? किसी मजबूर की मदद करने के लिए उसका कुछ लगना जरूरी नहीं है। बस इंसान होना और इंसानियत के मायने समझना काफी है। छोड़ दो इसे वरना मेरी तलवार तुमसे बात करे। हटाओ इस रास्ते के रोड़े को। आज आप नहीं आते तो मेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाता। मैं किस तरह आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद तो भगवान का कीजिए कि इस वक्त मैं यहां से गुजर रहा था। खैर, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? नुकसान? नुकसान तो वो मेरी लाश को ही पहुंचा सकता था। कौन था वो? जगत सिंह। उस दुष्ट को मेरे पिताजी ने एक गरीब लड़की से बदतमीजी की सजा दी थी, उसी का बदला लेना चाहता था वो मुझसे। अच्छा, तो वो जगत सिंह था। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप जगदीशपुर की राजकुमारी हैं। मैं शंकरपुर का जागीरदार बेनी माधव हूँ और मैं महाराज से ही मिलने जा रहा था। आप रुकिए, मैं अभी आया। आजा बेटा। बस आइए, आप इस घोड़े पर बैठ जाइए। लेकिन आप? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जगदीशपुर इतना दूर नहीं कि थोड़ा पैदल ना चल सकूं। आइए। जी बड़े भैया, मुझे जगत सिंह आज ही चाहिए।
जिंदा या मुर्दा। जो आज्ञा। ठहरिए कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी, कुछ भी करने से पहले यह जान लीजिए कि जगत सिंह यह जलील हरकत सिर्फ अपने बल पर नहीं कर सकता था। हो ना हो, फिरंगियों ने उसे मदद का आश्वासन जरूर दिया होगा, इसलिए इस वक्त जगत सिंह के खिलाफ कुछ भी करना फिरंगियों को बीच में आने का मौका देना होगा। मैं फिरंगी या उनकी महारानी की परवाह नहीं करता, यह मेरी आन का सवाल है। दुनिया जानती है कि जगदीशपुर का महाराजा अपनी आन पर मर मिटने वाला एक बहादुर सूरमा है, किसी को आपकी वीरता पर कोई शक नहीं है। हां, अभी यह वक्त मुनासिब नहीं है। मैं नाना साहब का यही संदेश आपके पास यहां लेकर आया, इसलिए इस वक्त खून का यह घूंट पी जाना ही बेहतर होगा। शेर खान, नो नो, गिव इट बैक। Come on!